Dear students, now we have to discuss one of the best question. Write the equation for the preparation of one iodine day. This is your exercise number 7 question. पहले दोस्तों आपको ये समझना पड़ेगा कि वन आयोडीन ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है क्या. तो वन आयोडो ब्यूटेन मतलब इसका फॉर्मूला होगा CH3CH2CH2CH2I. अब आप चेक करो दोस्तों आयोडीन कौन सी नंबर की पोजीशन के ऊपर है, फर्स्ट. और आयोडीन फर्स्ट नंबर की पोजीशन में तभी आएगा जब हम प्रिंकल स्टैन रिएक्शन फॉलो करेंगे. कौन सा रिएक्शन फॉलो करेंगे दोस्तों? प्रिंकल स्टैन. तो सबसे पहला इक्वेशन मुझको दिया गया है कौन सा, ब्यूटेन वन और वन ब्यूटेन और ऐसा बोला है. मतलब मैं ले लूंगा ये CH3CH2CH2CH2OH जिसका नाम है ब्यूटेन वन ऑल. क्या नाम है? ब्यूटेन वन ऑल. और उसमें से मुझको बनाने का बोला है क्या, ये CH3CH2CH2CH2I जिसका नाम है क्या, वन आयोडो ब्यूटेन. तो दोस्तों हमको पता है कि भी फ्रिंकल स्टैन रिएक्शन जब होगा तो मेरे पास यहाँ पे का तो आइदर क्लोराइड आइदर ब्रोमाइड ये होने चाहिए. क्या होना चाहिए? क्लोराइड और ब्रोमाइड होगा तभी मैं फ्रिंकल स्टैन रिएक्शन करके क्या बनाऊंगा, आयोडाइड्स. तो यहाँ पे सबसे पहले मैं रिएक्शन करूंगा SOCl2 क्योंकि मुझको फर्स्ट पोजिशन के ऊपर से OH को निकालना पड़ेगा और उसकी जगह मिलाना पड़ेगा किसको, क्लोरीन आइदर ब्रोमीन को. तो SOCl2 के साथ रिएक्शन होगा, ये OH गया, ये दो Cl में से एक Cl यहाँ आ जाएगा तो यू कैन गेट Ca3CH2CH2CH2Cl जिसका नाम होगा क्या, वन क्लोरो ब्यूटेन. जिसका नाम क्या होगा दोस्तों, वन क्लोरो ब्यूटेन, राइट. अब ये SO एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके करेगा -SO2 और एक H एक Cl के साथ जाके होगा -HCl. समझ में आया दोस्तों? SOCl2 का नाम है थायोनाइल क्लोराइड. क्या नाम है दोस्तों? थायोनाइल क्लोराइड जो OH को रिप्लेस करके इसको इंट्रोड्यूस करता है क्लोरीन को. और अब मैं रिएक्शन करूंगा दोस्तों फ्रिंकलस्टेन रिएक्शन. कौन सा रिएक्शन? फ्रिंकलस्टेन रिएक्शन. फ्रिंकलस्टेन रिएक्शन होगा NaI के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन. तो अब ये Cl और ये Na मिलके हो जाएगा -NaCl और ये आयोडीन यहां पे जॉइंट हो जाएगा. मुझको मिलेगा क्या, वन आयोडो ब्यूटेन. क्या मिलेगा दोस्तों? वन आयोडो ब्यूटेन. इसे क्लियर, पहला इक्वेशन समझ में आया. नाउ इक्वेशन नंबर 2 किसमें से पूछा है, वन क्लोरो ब्यूटेन. क्या बोला? तो CH3CH2CH2CH2Cl ये आपका हो गया वन क्लोरो ब्यूटेन. तो आपको दोस्तों क्लिक होना चाहिए मुझको बनाने का है क्या, CH3CH2CH2CH2I इसका नाम है क्या, वन आयोडो ब्यूटेन. तो आपको पता चल जाना चाहिए ये रहा वन क्लोरो ब्यूटेन. कौन सा रिएक्शन फॉलो करेंगे वापस? फ्रिंकलस्टेन. इसके साथ रिएक्शन होगा NaI के साथ, माइनस क्या हो जाएगा, NaCl. ये Na और Cl चला गया, माइनस क्या, NaCl. और उसको प्रोडक्ट मिलेगा क्या, वन आयोडो ब्यूटेन. और जो तीसरा क्वेश्चन मुझको मेंशन किया गया है वो है क्या, ब्यूट वन इन. ब्यूट वन इन का मतलब CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2, ये है मेरा क्या, ब्यूट वन इन. उसमें से मुझको बनाने का है क्या, आयोडो ब्यूटेन. तो सबसे पहले डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड है उसमें मुझको फर्स्ट पोजीशन पे आइदर क्लोरीन आइदर ब्रोमीन लाना पड़ेगा. लेकिन फ्रेंड्स मुझको पता है मैं HBr के साथ पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करूंगा तभी मुझको अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिक ऑफ लॉ, अकॉर्डिंग टू विच लॉ, एंटी मार्कोनिक ऑफ लॉ, ब्रोमीन का एडिशन फर्स्ट पोजीशन पे होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा एंड यू कैन गेट CH3CH2CH2CH2Br
जिसका नाम है क्या दोस्तों, वन ब्रोमो ब्यूटेन। नाम क्या है? वन ब्रोमो ब्यूटेन। और उसका आखिरी रिएक्शन में करूंगा कौन सा? अगेन फ्रिंकलस्टेन। इसके साथ NaI के साथ द प्रेजेंस ऑफ होम एसीटोन। तो यहां से ये Na और ये Br चला जाएगा, माइनस क्या होगा NaBr और आयोडीन यहां जॉइंट हो जाएगा। वी कैन गेट CH3 CH2 CH2 CH2I इसका नाम वापस क्या होगा? वन आयोडो ब्यूटेन। समझ में आया दोस्तों? ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये बराबर समझ में आ गया है तो इसमें से और मैं आपको तीन क्वेश्चन सोचने के लिए देता हूं। ये वन आयोडो ब्यूटेन की जगह पे अगर मैं ऐसा करता वन फ्लोरो ब्यूटेन, क्या करता? वन फ्लोरो ब्यूटेन, तो कैसे करते? तो देखो दोस्तों, अब आयोडीन की जगह पे मुझको क्या लगाना पड़ेगा? F। क्या लगाना पड़ेगा? F। तो आपको पता होना चाहिए कि फ्लोरीन लाने के लिए I have to follow Schwartz reaction। आयोडीन लाने के लिए मैं फॉलो किसको करूंगा? फ्रिंकलस्टेन। लेकिन अगर फ्लोरीन लाने का है तो मैं किसको फॉलो करूंगा? Schwartz reaction। तो Schwartz reaction में पहला स्टेप तो कॉमन रहेगा, लेकिन यहाँ पे Schwartz reaction में क्या होगा? तो Schwartz reaction में रिएक्शन AgF के साथ होगा। इसके साथ होगा या AgF, Hg2F2, SpF3 ऐसे कोई भी रिएजेंट ले सकते हैं। तो यहाँ क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन निकल के अब आयोडीन की जगह पे क्या हो जाएगा? F। तो इस तरह से आप ये तीनों रिएक्शन में क्या बना सकते हो? वन फ्लोरो ब्यूटेन। क्या? वन फ्लोरो ब्यूटेन। तो आपको क्वेश्चन कौन से रेफरेंस में पूछा है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ मैं फॉलो करूंगा फ्रिंकलस्टेन रिएक्शन, लेकिन अगर क्लोरीन पूछा होता तो आई हैव टू फॉलो व्हाट? फ्रिंकल सॉरी Schwartz रिएक्शन। आयोडीन पूछा है आई हैव टू फॉलो फ्रिंकलस्टेन। अगर पूछा है क्या? फ्लोरीन, तो आई हैव टू फॉलो व्हाट? Schwartz रिएक्शन। तो ऐसे आप दोस्तों दूसरे क्वेश्चन भी हम बहुत सारे बना सकते हैं। अच्छी तरह से लिखने का। थैंक यू वेरी मच।